धर्मशाला के तपोवन में 9 से 14 दिसंबर तक होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कई मुद्दों पर विपक्ष सदन को गर्माने की फिराक में है, वहीं सरकार भी विपक्ष के हर वार से निपटने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल और इन्वेस्टर मीट सहित अन्य कई मुद्दों पर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा है। वहीं भाजपा का दावा है कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल बेहतरीन रहा है, ऐसे में विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दा ही नहीं है। उधर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने भी विपक्ष को सदन में बवाल मचाने के बजाय जनहित के मुद्दे उठाने की नसीहत दी है। सरवीण चौधरी का कहना है कि विपक्ष अपनी भूमिका को खूबसूरती से निभाए, जो मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए जाएंगे उनका सरकार कठोर तरीके से संयम रखते हुए जवाब देना जानती है। कि नीचे के क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने का, अपनी समस्याएं रखने का 1 हफ्ते का जो समय मिलता है और उसमें अपनी सारी बातें यहाँ के लोग अप्रोच कर सकते हैं मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, सरकार से सीधा। क्योंकि मैंने देखा कि जो शिमला का एक कॉर्नर हो जाता है वो शिमला जिले के लोग ही अपने भर भर के डेपुटेशन लाते हैं और यहाँ के लोगों को एक आस होती कि साल में एक बार यहाँ पे सरकार जो है बैठेगी। और वैसे तो मुख्यमंत्री जी के इतने दौरे हुए हैं, लोग शिमला भी पहुँच जाते हैं, यहाँ भी अपने कामों के लिए आते हैं, लेकिन इससे जो है जो हमारा कांगड़ा जिला है और भी खूबसूरत होगा, चहक पहक होगी, लोगों के काम होंगे और विधानसभा सुंदर तरीके से सजेगी। आप पत्रकारों से भी सीधा सीधा मिलना हमारा होता है मैम। लेकिन अगर विधानसभा की बात की जाए तो विपक्ष तैयार है, विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार का 2 साल का कार्यकाल है विफल है और विधानसभा में ही विपक्ष की भूमिका है ना उनकी, वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष की भूमिका वो निभाएंगे, वो अपनी खूबसूरती दिखाएं, विपक्ष की भूमिका निभाने जवाब देना सरकार का काम है। सरकार बहुत अच्छे तरीके से निष्पक्ष होके और सुंदर तरीके से ईमानदारी से चल रही है और हम अपना पक्ष जो है बड़े कठोर तरीके से संयम से देना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।